हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जो हिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 2, साम्यवाद और समाजवाद का, चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट 5। इसका मेन मेन टॉपिक तो आप मेन मेन जो भी था वो तो आप पहले ही पढ़ चुके हो। इसमें बस जो वन लाइनर बच गया था, एक दो नोट्स वो सिर्फ बाकी है, वो आप इसमें कवर करते हैं, ठीक है। जैसे वन लाइनर में कुछ कुछ बच गया था, जैसे कि सन 1975 में यूनाइटेड नेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ, द्वारा हर साल 8 मार्च को क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि रूस में मार्च में ही क्या किया था, मजदूरों ने जार के खिलाफ क्या किया था, आंदोलन शुरू किया था। तो उस दिन, और महिलाओं ने भी अपने अपने फैक्ट्री में क्या किया था, आंदोलन किया था 8 मार्च के दिन। तब से यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1975 से हर साल इंटरनेशनल वीमेंस डे के अनुसार इसको घोषित कर दिया गया, हर साल इसी दिन पे मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 1918 में विश्व में पहला बार क्या हुआ था, रूस का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, USSR रख दिया गया था, ठीक है। और इसका पहली बार क्या हुआ था, इसका संविधान भी लिखा गया था सन 1918 में, रूस में, रूस का, ठीक है। उसी के बाद ट्रॉटस्की भी क्या किया था, जब रूस का क्या किया था, जब नीति, जब इकोनॉमिक पावर कुछ समय के थोड़ा बदहाल हुआ था, तो ट्रॉटस्की नहीं, 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति, यानी कि इसको नेप बोलते हैं शॉर्ट में, और इसका फुल फॉर्म है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। इसी घोषणा की किसने, ट्रॉटस्की ने। नई, इसमें 7-8 बातें हैं नई आर्थिक नीति में, जो आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है, जो पेज नंबर 37 में है, मैंने मेंशन कर रखा है। और ये आपका VBI क्वेश्चन भी है, ट्रॉटस्की 1921 में न्यू आर्थिक नीति, इस बार क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड में, इसलिए आप इसको ध्यान दोगे। और आपको नहीं, ये वाला जो पॉइंट है, 7-8 पॉइंट, वो आपको खुद से पढ़ना है पेज नंबर 37 से, चैप्टर 2 का। उसके बाद आता है सोवियत संघ का विघटन 1991 में ही हो गया था, किसमें हो गया था, दिसंबर 1991 में, सोवियत संघ का, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आता है शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या होता है, तो देखिए नाम से पता क्या चलता है, शीत युद्ध, लेकिन शीत मतलब क्या होता है, ठंडा, लेकिन ये वैसा नहीं है, ठीक है। शीत युद्ध उसका एक टर्मिनोलॉजी दिया गया नाम, ये क्या था, वैचारिक युद्ध था, ठीक है, जो ये युद्ध था जो आपको अमेरिका और किसके, सोवियत रूस के बीच में हुआ था, ठीक है। जिसका इसमें क्या था, जिसमें पूंजीवादी गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेता क्या था, सोवियत रूस था, ठीक है। नेता कहने का मतलब क्या है, इन दोनों देशों ने उसको लीड किया था, ठीक है। अब देखिए 15 मार्च को एक बुर्जुआ सरकार का गठन किया गया था। बुर्जुआ सरकार एक क्या था, एक जस्ट लाइक एक गवर्नमेंट थी, जो क्या था, मजदूरों के हित के लिए उनके बारे में सोचती थी, ठीक है। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि रूस का नाम जब 1918 में जब उसका संविधान बना था, तो उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, USSR, ठीक है, सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह। इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है, क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसका फुल फॉर्म है USSR। तो रूस का नाम क्या है, USSR भी है और रूस भी है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह, ठीक है। ये आपका नाम परिवर्तित कर दिया गया था 1918 में, जब वहाँ पे क्या गणराज्य यानी कि संविधान का वहाँ पे लागू हुआ था, ठीक है। तो ये रहा आपका चैप्टर 2। चैप्टर 2 में 5 पार्ट आए हैं वीडियो में, ठीक है, पांचों पार्ट में इसको कवर किया गया है। इसमें आपका पूरा नोट्स इसमें मैंने सफिशियंट दे रखा है। अब आपका होमवर्क क्या रहा, कि आपको इसके पूरा चैप्टर का नोट्स पढ़ना है, ठीक है, इसको आप लास्ट में लिख लेना वीडियो स्टॉप करके, नोट्स लिखना है, उसके बाद सबका नोट्स बनाना है, और बुक को एटलीस्ट एक बार खुद से रीडिंग देना है, ठीक है। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो में कॉमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। इस जब आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको वीडियो जरूर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।